Assalamu alaikum. Today we are going to discuss another poem by William Blake. This poem is The Little Black Boy. अब ये ब्लैक बॉय इनको अफ्रीका से परहैप्स स्लेव ट्रेड के ज़रिए इंग्लैंड में लाया जाता था या यूरोप के डिफरेंट कंट्रीज़ में लाया जाता था और उनसे छोटे छोटे काम जो है वो करवाए जाते थे। अब यूरोप में बड़ी देर तक एक एटीट्यूड जो है वो रहा है, वो एटीट्यूड ये था, वो बिहेवियर ये था कि ब्लैक पीपल को इन्फीरियर जो है वो समझा जाता। इस पोएम में अगरचे ब्लेक वाइट एंड ब्लैक की इक्वलिटी के एडवोकेट के तौर पर जो है वो बात करते हुए नज़र आता है, बट द मोस्ट ऑफ द वोकैबुलरी यूज्ड टू डिस्क्राइब द ब्लैक कल्चर और द कल्चर फ्रॉम विच ब्लैक पीपल केम हैज़ बीन डिपिक्टेड एज इन्फीरियर, और यूरोपियन कल्चर को सुपीरियर जो है वो दिखाया गया है। इन द वेरी फर्स्ट लाइन में जब आप जो देखते हैं, माई मदर बोर मी इन द साउदर्न वाइल्ड। अब यहाँ पे स्पीकर ऑफ कोर्स इज अ ब्लैक बॉय, एक स्याह लड़का है, स्याह फार्म जो है वो लड़का है, वो क्या कह रहा है कि मेरी माँ ने मुझे साउदर्न जनूबी जंगलों में जो है वो पैदा किया। वाइल्ड यहाँ पे फॉरेस्ट के लिए यूज हुआ है। For large number of Europeans and for people who lived in Western societies, they believed के जो African society है या अफ्रीका में रहने वाले लोगों का कोई culture नहीं है, कोई civilization नहीं है, वो जंगलों में जानवरों की तरह से रहते हैं। अच्छा, सेकेंड लाइन देखें, जहाँ आई एम ब्लैक बट ओ माई सोल इज वाइट। यहाँ पे भी जो ब्लैक ब्लैक बॉयज़ हैं या ब्लैक पीपल हैं, उनकी जो एक इन्फीरियॉरिटी है, उनके जहन में जो एक इन्फीरियॉरिटी कम्प्लेक्स है, या वाइट जो है वो समझते हैं कि ये ब्लैक के जहन में, स्याह फाम लोगों के जहन में एक इन्फीरियॉरिटी कम्प्लेक्स है कि वो अपनी रूह को जो है वो सफ़ेद जो है वो करना चाह, वो अपनी रूह को जो है वो सफ़ेद कहते हैं। आई एम ब्लैक बट ओ माई सोल इज वाइट, कि मैं स्याह हूँ लेकिन मेरी रूह जो है वो सफ़ेद है। और ये बहुत सारे राइटर्स में ये थीम बार बार जो है वो नज़र आता है कि ब्लैक पीपल में जो एक अर्ज है और एक डिज़ायर है कि वो दे वॉन्ट टू बिकम लाइक वाइट पीपल। अब ऑफ कोर्स ये किस तरह से है, क्यों है, इसको बहुत सारे लोगों ने मुख्तलिफ तरीके से जो है वो डिस्क्राइब किया, बट वेस्टर्न एटीट्यूड टुवर्ड ब्लैक पीपल और ब्लैक सिविलाइजेशन वाज ऑलवेज ऑफ दे कंसीडर देमसेल्फ सुपीरियर, वो अपने आप को सुपीरियर समझते हैं टू द ब्लैक टू ब्लैक पीपल। अब ये स्याह लोगों से, White as an angel is the English child. आप देखो English child को जो है वो फरिश्ते की तरह से, और ये white color के साथ जो attitude जो है वो जो नज़र आता है वो सारा। But I am black as if bereaved of light. ये भी एक sense of inferiority है, bereaved जो है वो होता है to be without something, जैसे जो है वो मुझे रोशनी जो है वो मिली नहीं, मैं इतना जो है वो स्याह हूँ। तो इस फर्स्ट स्टैंजा में आप जो है वो लैंग्वेज को समझ सकते हैं। अगरचे ब्लेक जो है वो ही इज़ कंसीडर्ड एंड ऑल दो इट इज़ अ ग्रेट थिंग ही वाज टॉकिंग अबाउट दिस काइंड ऑफ थिंग इन अ 19th century, लेकिन इसके बावजूद जो चीज़ जो है वो जहन में रखने वाली है वो वेस्टर्न एटीट्यूड है टूवर्ड ब्लैक पीपल और टूवर्ड पीपल हु डू नॉट हैव स्किन लाइक दे हैव। जिस तरह से मगरबी लोगों की स्किन कलर है, उस तरह की स्किन जो नहीं है जिन लोगों उनके साथ जो है वो क्या एटीट्यूड जो है वो होता था। अच्छा, आगे नेक्स्ट स्टैंजा देखें, माई मदर टॉट मी अंडर नीथ अ ट्री, मेरी माँ ने जो है मुझे एक दरख्त के नीचे सिखाया। अब ये भी इसको जो है वो डिबेट किया जा सकता है, द पीपल हु हैव फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस ऑफ अफ्रीकन सिविलाइजेशन दे नो दैट दे आल्सो हैड देयर हाउस, दे हैव देयर कल्चर एंड दे लिव्ड
वेरी गुड लाइफ ये नहीं था कि वहाँ पे दरख्तों के नीचे ही जो है वो लोग जो है वो बैठते थे, या इतनी जो है वो सिविलाइजेशन नहीं थी। एंड सिटिंग डाउन बिफोर द हीट ऑफ डे, यानी यहाँ कहाँ पे रोश गर्मी होने से पहले पहले, शी टुक मी ऑन हर लैप एंड किस्ड मी, उसने मुझे जो है वो अपनी गोद में उठाया और मुझे जो है किस किया। एंड पॉइंटिंग टू द ईस्ट बिगेन टू से, और मशरक की तरफ इशारा करके जो है वो कहना शुरू किया, लुक ऑन द राइजिंग सन देयर गॉड डज लिव, कि ये टुलू होते हुए सूरज को देखो, खुदा वहां पे रहता है। एंड गिव हिज लाइट एंड गिव हिज हीट अवे, और अपनी रोशनी देता है, अपनी हरारत जो है वो देता है लोगों को जो है वो उसके साथ, खुदा का जो है वो रिलेशनशिप। ऑफकोर्स यहाँ पे जो है वो ब्लेक जो है वो रिलीजियस टर्म्स में बात कर रहा है, और ब्लेक का रिलीजन जो है वो क्रिश्चियन है, एंड ही विल बी सीइंग एवरीथिंग फ्रॉम क्रिश्चियन पॉइंट ऑफ व्यू, उसी तरह से जो है वो देख रहा हो। एंड फ्लावर्स एंड ट्रीज एंड बीस्ट एंड मैन रिसीव, यानी ये रोशनी जो है वो जो अल्लाह ताला की तरफ से आती है, ये सारे की सारी जो है वो रिसीव करते हैं, जानवर भी, पौधे भी, दरिंदे भी, सब कुछ। कंफर्ट इन मॉर्निंग, जॉय इन द नून डे, यानी सुबह की सुबह जो है वो उस वक्त भी इससे सुकून मिलता है रोशनी से, यानी अल्लाह ताला की नेमतें जो है वो दे आर इक्वल फॉर एवरीवन। यहाँ पे पोइट जो है वो ही वॉन्ट्स टू सजेस्टिंग दिस। ओके, नेक्स्ट स्टेंजा जो है वो देखें कि क्या कह रहा है, कि वो कह रहा है कि एंड वी आर पुट ऑन अर्थ अ लिटिल स्पेस, यानी हमें ये जो ज़मीन की हमारी ज़िंदगी है ये थोड़ी देर के लिए है, ये भी एक रिलीजियस बिलीफ है क्रिश्चियनिटी में एंड अदर रिवील्ड रिलीजन्स ऑफ द वर्ल्ड, इस चीज़ पे यकीन रखते हैं कि इंसान जो है वो इस कायनात में थोड़ी देर के लिए जो है वो नज़र आता है। दैट वी मे लर्न टू बियर द बीम्स ऑफ लव, क्यों आते हैं हम जो है वो, ताकि उसकी मोहब्बत की जो शुआएं हैं उनको जो है वो बर्दाश्त करना जो है सीखे। एंड दीज ब्लैक बॉडीज एंड दीज सनबर्न्ड फेस, वहाँ पे फिर जो है वो ब्लैक बॉडीज एंड सनबर्न्ड फेस की बात जो है कर, इज बट अ क्लाउड एंड लाइक अ शेडी ग्रो, यानी दे आर नॉट अ परमानेंट थिंग, दे आर नॉट समथिंग लास्टिंग फॉर एवर, दे आर एज टेम्पररी एज द क्लाउड, और एज टेम्पररी एंड एज शॉर्ट लिव्ड एज अ लार्ज नंबर ऑफ ट्रीज ग्रोइंग टूगेदर। ओके, नेक्स्ट स्टैंजा देखें, फॉर वेन अवर सोल्स हैव लर्न द हीट टू बियर, क्योंकि जब हमारी जो ये हमारी रूहें इस हरारत को बर्दाश्त करना जो है वो सीख लेंगी। कौन सी हरारत को बर्दाश्त करने की बात कर रहा है, ये दुनिया में जो भी हमारे साथ जो है वो होता है वहां पे, द क्लाउड विल वैनिश वी शैल हियर हिज वॉइस, फिर जो है वो क्या होगा, ये बादल जो है वो चला जाएगा और हम जो है उसकी आवाज़ सुनेंगे। सेइंग कम आउट फ्रॉम द ग्रूव माई लव एंड केयर, एंड अल्लाह ताला जो है वो पुकारेगा अपनी मखलूक को, उन्हें कहेगा कि तुम मेरी महबूब मखलूक हो, इस से बाहर जो है वो आओ, अपनी इस आइडेंटिटी को छोड़ो, टेम्पररी आइडेंटिटी को। एंड राउंड माई गोल्डन टेंट लाइक लैम्स रिजॉयस, और जो है नाउ यू आर इक्वल एंड यू कैन इंजॉय परमानेंट लाइफ हियर इन माई किंगडम। तो ऑफकोर्स ये सारे के सारे जो है वो रिलीजियस बिलीफ्स हैं, और ये क्रिश्चियन रिलीजियस बिलीफ हैं। दस डिड माई मदर से एंड किस्ड मी, ये मेरी माँ ने जो है वो मुझे जो है बताया। ऑफकोर्स जो है वो ये क्रिश्चियन रिलीजन की टीचिंग्स हैं विच आर बींग ट्रांसफर्ड फ्रॉम एल्डर जनरेशन टू यंगर जनरेशन, और एंड दस आई से टू लिटल इंग्लिश बॉय, फिर मैं इस तरह से जो है वो इंग्लिश जो लड़का है, अंग्रेज लड़का, उसे कहता हूँ, वेन आई फ्रॉम ब्लैक एंड ही फ्रॉम वाइट क्लाउड फ्री, कि जब मैं आज़ाद हो जाऊँगा अपने स्या बादल से और वो अपने जो है वो सफ़ेद बादल से, यानी दीज आर द टेम्पररी स्टेट्स एंड दे आर ओनली फॉर दिस वर्ल्ड, एंड राउंड द टेंट ऑफ गॉड लाइक लैम्ब्स वी जो है, और फिर जो है हम क्या करेंगे, हम उस तरह से खेलते फिरेंगे जिस तरह से मैंडे खेलते फिरते हैं अल्लाह ताला के टेंट के, अल्लाह ताला के खैमे के इर्द गिर्द। आई विल शेड हिम फ्रॉम द हीट टिल ही कैन बियर, अब मैं वहां पे जो है वो क्या कहूँगा, ये कि उसे उस वक्त तक जो है वो साया फराहम करूंगा जब तक उसे जो है वो इस हरारत को बर्दाश्त करना नहीं आता।
अब ऑफ कोर्स ब्लैक चिल्ड्रन आर मोर एक्सपीरियंस्ड, मोर एक्सपोज्ड टू द एनवायरनमेंट एंड दे सर्व अ सॉर्ट ऑफ सपोर्ट फॉर द वाइट पीपल. उनको जो है टू लीन इन जो है अपॉन अवर फादर्स नी, यानी हम जो है वो फादर नी, यहाँ पे अल्लाह ताला का जो है वो जिक्र जो है वो किया जा रहा है कि वहाँ पे हम लोग जो है वो इकट्ठे होंगे क्योंकि वहाँ पे हम इक्वल जो है वो हो जाएंगे. एंड देन आई स्टैंड एंड स्ट्रोक हिज सिल्वर हेयर, और फिर मैं जो है वो क्या करूँगा उसके सुनहरी बालों को जो है वो उसके पास खड़ा होऊंगा और उसको जो है वो पकड़ूंगा. एंड बी लाइक हिम एंड ही विल देन लव मी, फिर मैं उस तरह का होऊंगा और वो मुझसे मोहब्बत जो है वो करेगा. तो स्टूडेंट्स, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पोएम है. इस पोएम के ज़रिए जहाँ पे हमें ब्लेक की कुछ अच्छी क्वालिटीज़ का पता चलता है, वहाँ पे हमें जो यूरोपियन एटीट्यूड है, यूरोपियन अंडरस्टैंडिंग है और यूरोपियन बिहेवियर है टुवर्ड्स अदर सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड, वो भी हमारे सामने उभर कर नज़र आता है. अब यूरोप के लोग 19th सेंचुरी में, इवन टुडे मैनी पीपल लिविंग इन यूरोप, दे डू नॉट बिलीव दैट देयर वॉज एनी अदर सिविलाइजेशन और देयर इज एनी अदर सिविलाइजेशन वर्थ कंपेयरिंग टू देयर सिविलाइजेशन. अभी भी वो समझते हैं कि दुनिया की जो तहजीबें हैं वो किसी न किसी तरह से जो है वो उन तहजीबों उनकी तहजीब से जो है वो कमतर है. और उन ये क्योंकि वेस्टर्न सिविलाइजेशन को डिफरेंट सॉर्ट ऑफ एडवांटेज रहा बिकॉज ऑफ डिफरेंट सर्कमस्टेंसेस ऑन अदर सिविलाइजेशंस एंड दे गॉट मोर डेवलप्ड इन डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, पर्टिकुलरली साइंस एंड टेक्नोलॉजी. एंड वो उन्होंने जो है वो क्या करना शुरू कर दिया, उस साइंस एंड टेक्नोलॉजी को अपनी इंटेलिजेंस के साथ एसोसिएट करना जो है वो शुरू कर दिया. अब इस एसोसिएशन की वजह से वो अपने आप को सुपीरियर समझते थे और अभी भी बहुत सारे लोग जो है वो सुपीरियर समझते हैं. अगरचे ओपन माइंडेडनेस जो है वो अब बहुत ज़्यादा आई है, दुनिया की दूसरी सिविलाइजेशन से ताल्लुक़ रखने वाले इंसानों ने साबित किया है कि दे आर एज इंटेलिजेंट एज पीपल लिविंग इन वेस्ट और द पीपल हु हैव बेनिफिटेड फ्रॉम द वेस्टर्न सिविलाइजेशन. अब दुनिया के सर्कमस्टेंसेस को समझने की ज़रूरत है कि अफ्रीकन पीपल और जो है वो बाद में एशियन पीपल जो है वो क्यों पीछे रह गए यूरोपियन पीपल्स की निस्बत. शायद इन लोगों ने जो है वो इस किस्म के सर्कमस्टेंसेस का सामना किया जिनका अभी तक यूरोपियन जो लोग हैं उन्होंने उस किस्म के सर्कमस्टेंसेस का सामना नहीं किया. लेकिन इसके बावजूद जो लैंग्वेज जो है हमें जो नज़र आती है वो एक अ सॉर्ट ऑफ शोइंग सुपीरियोरिटी ऑफ वाइट ओवर ब्लैक, वाइट की जो है सुपीरियोरिटी उसकी बर्तरी को शो करने के लिए जो है वो आती है. अब हम ये नहीं कहते कि ब्लैक वॉज जो है वो डूइंग दिस इंटेंशनली, लेकिन वो उसकी सिविलाइजेशन ने उसको इस तरह से फीड किया था, उसकी सिविलाइजेशन ने उसको यही जो है वो समझाया था कि ये जो पीपल लिविंग इन अफ्रीका, स्पेशली इन अफ्रीका, दे आर वेरी मच बैकवर्ड पीपल और इनके बैकवर्डनेस होने की वजह जो है वो इनका स्किन कलर है जिसने एक सॉर्ट ऑफ इन्फीरियर ब्रेन्स जो है वो इनमें प्रोड्यूस किए और ये उस तरह से सोच नहीं सकते, उस तरह से अचीव नहीं कर सकते लाइफ में जिस तरह से जो है वो वाइट पीपल कर सकते हैं. बहरहाल अब ये एटीट्यूड जो है वो आप देख सकते हैं आपके सामने जो है वो चेंज हुआ है और इसका जो है वो फर्क हमें वी सी दिस डिफरेंस इन एवरी फील्ड ऑफ अवर लाइफ. अब दुनिया में ब्लैक ने जो है वो बहुत सारे शोबों में अपने आप को वाइट लोगों से बहुत बेहतर जो है वो साबित किया है. मसला सिर्फ जो है वो अपॉर्चुनिटीज़ का होता है. अगर अपॉर्चुनिटीज़ मिलें, ह्यूमन बीइंग्स जो है वो आर केपेबल ऑफ डूइंग ग्रेट थिंग्स वेदर दे आर ब्लैक और वेदर दे आर वाइट. बट लेकिन वाइट लोगों में बहुत देर तक जो है वो ये एटीट्यूड रहा कि ब्लैक लोग जो है वो इन्फीरियर हैं और वाइट लोग जो है वो सुपीरियर हैं.
और ब्लैक पीपल की कोई सिविलाइजेशन नहीं है, और रियल सिविलाइजेशन इज़ द वेस्टर्न सिविलाइजेशन। ऑफ कोर्स वेस्टर्न सिविलाइजेशन ने दुनिया को बहुत कुछ दिया, लेकिन उसको उस जो इसने जो कुछ दिया या वेस्टर्न सिविलाइजेशन जहाँ तक पहुँची उसको पूरे उस कॉन्टेक्स्ट में देखने की ज़रूरत है। स्टूडेंट इंशाल्लाह विल बी टॉकिंग अबाउट पार्ट टू पोएट्री ऑफ डिफरेंट पोएट्स इन अवर वीडियो लेक्चर्स एज वेल। इफ यू थिंक दैट दिस सॉर्ट ऑफ लेक्चर्स कैन बी हेल्पफुल फॉर यू, यू शुड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एडमेड पब्लिक। इंशाल्लाह वी विल बी टॉकिंग अबाउट समथिंग एल्स इन अवर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।